हेलो फ्रेंड, मैं संगीता और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं भी लेके आई हूँ एक शाही टुकड़ा, तो चलिए देखते हैं। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 6 अंडा लिया है और इसे एक एक करके मैं सारे बॉल में डाल लेती हूँ। सारे एक ले लिए हैं, अब इसके योग को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दीदी ने हमें, हम उसके जब घर गए थे तो उन्होंने मुझे क्या बोल के खिलाया, बोलता है कि ये नॉनवेज पनीर है। नॉनवेज पनीर ये कैसा है नॉनवेज पनीर? तो हमने तो वेज पनीर यानी दूध से बना हुआ पनीर हमने खाया है, तो ये वाला कैसा बनता है? तो ये रियली आप बहुत टेस्टी लगेगा, आप देखने में आप सेम लाइक सोचेंगे कि ये पनीर है और एक न्यू रेसिपी है। तो मैं आज वही मेरी दीदी का रेसिपी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसे स्टीम देंगे, थोड़ा स्टीम देंगे। स्टीम करने से ये एक जगह सेट हो जाएगा, सेट हो जाने के बाद इसे हम कट करके रेडी करेंगे। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं स्टीम करने वाली हूँ। थोड़ा पानी रख लिया है और गर्म कर दिया है थोड़ा। तो अब मैं, अगर आपके पास ऐसे फ्लैट, मेरे पास एक एक ट्रे है और फ्लैट है, तो मतलब स्क्वायर सेट में या फिर रेक्टेंगल सेट में आपको हो तो आप इसको ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज आपके पास कोई भी स्टील कंटेनर गोल राउंड हो तो तभी चलेगा। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ, मैं सारा बैटर इसमें डाल लूँगी। अब इसे कवर कर लेते हैं अप टू 10 to 15 मिनट। तो हमें शाही एक टुकड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैं एक मीडियम साइज़ के ऑनियन को मैंने हाफ कट किया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और 1/2 इंच मैंने लिया है दालचीनी, और 6 से 7 पीस लिया है काजू, ये ऑप्शनल है, और काजू भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। एक्चुअली ये रिच फ्लेवर देता है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर 5 से 6 कली मैंने लिया है लहसुन के, और मैंने 1/2 इंच ले लिए हैं अदरक के जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसी के साथ मैं एक, हम पेस्ट बनाने वाले हैं तो मैं ऑनियन को भी इसी में पेस्ट करेंगे। 1/2 ऑनियन मैंने लिया है और 1 फुल साइज़ टमेटो मैंने लिया है। अब ये सारे को हम मिक्स करके एक पेस्ट अच्छा सा बना लेंगे। देखते हैं हमारा एक स्टीम हो चुका है कि नहीं, 10 से 15 मिनट हो चुका है, देखिए अच्छे से खुल चुका है। अब हम इसे थोड़ा अच्छा से निकाल लेते हैं, तो एक बार देख भी लेते हैं, बहुत अच्छे से पक चुका है। थोड़ा हम इसे ठंडा होने देंगे, इसके बाद ये इजीली निकल जाएगा। देखिए हमारा केक निकल चुका है, अच्छे से फूला भी है, तो वहाँ पर हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आपको जिस टाइप, जिस साइज में काटना है आप चाहिए तो आप वैसे साइज में काट सकते हैं। अब मैं इसका भी, इसको बड़े बड़े साइज में काटना है मुझे, तो मैं इस साइज में काट लेती हूँ। तो तेल हम ले चुके हैं और अब हम इस एक एक करके फ्राई करेंगे, इसमें डालेंगे। हमारा एक अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सब निकाल लेते हैं। मैंने सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, अब इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और रेड चिली पाउडर। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब सारे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
और थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। रोस्ट हमारा हो चुका है और हम रोस्ट हमारा हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हम करी के लिए हम ऑनियन डाल लेते हैं, तो बस ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, तो जो स्लाइस चेंज करेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम मिक्स किया हुआ पेस्ट को डाल लेते हैं। तो मैंने जो पेस्ट बनाया था उसे सब डाल लेते हैं इसमें। थोड़ा 2 मिनट ढक के पका लेते हैं, फिर सारे मसाले ऐड करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, मसाले ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं। फर्स्ट मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। रेड चिली, टर्मेरिक पाउडर, सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आप गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आप कुछ ना मिलाएं बस। डेली जो मसाला हम हर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वही सब्ज़ी में ऐड करना है। और ढक के पकाते हैं जिससे मसाला भी अच्छे से पक जाए। एक मिनट हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छा कलर में आ चुका है और पक भी चुका है, तो हम अब इसे सर्विंग के लिए रेडी करते हैं। है ना अंडे की एक अनोखी रेसिपी, बहुत अलग और रेस्टोरेंट टाइप में रिच लुक भी दिख रहा है। और आपको अगर इसमें कुछ कमी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको इसे ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।